दोस्तों पाकिस्तान टीम के अंदर हुआ चार बदलाव। नया चीफ सिलेक्टर ने करवा दिया पाकिस्तान का प्लेइंग 11 में चार बदलाव। क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे, पूरा खबर आपके इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कराइए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते दोस्तों। आप लोग की जानकारी के लिए बताओ, 5 मैचों का T20 सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। उसके लिए आप इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी स्पोर्ट्स पर और जियो सिनेपर पर मोबाइल से मजा ले सकते हो। अभी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 क्या होने वाला और इसमें क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों आपको बाबर आजम और यहाँ पर सैम आयुब ओपनिंग करते नजर आता था, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम के जगह पर मोहम्मद हरीस और सैम आयुब ओपनिंग जोड़ी होने वाला है। 3 नंबर में बाबर आजम खेलते हुए नजर आएगा, 4 नंबर में फखर जमा, 5 नंबर में मोहम्मद रिजवान, 6 नंबर में इफ्तिकार अहमद और 7 नंबर में बदलाव हुआ है। इमाद वसीम का जगह पर यहाँ पर अब्रार अहमद का यहाँ पर एंट्री करवाया गया है। 9 नंबर पर साइंसा अफरीदी और 9 नंबर पर जमान खान और यहाँ पर 11 नंबर पर नसीम शाह। ये है पूरा प्लेइंग 11 और इसमें बदलाव किया है पाकिस्तान का नया चीफ सिलेक्टर जो आपको खेलते हुए नजर आएगा 5 मैचों का T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। तो दोस्तों पाकिस्तान चीफ सिलेक्टर जो चेंजिंग किया, क्या सही किया है या नहीं करना चाहिए था चेंजिंग, आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। देखा जाए तो इस चेंजिंग से पाकिस्तान टीम और भी मजबूत हो चुका है, लेकिन आप अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद आपकी वो मूल्य समय देने के लिए।